नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने अपने स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार की पूसा इलाके में हुई थी, इसी वजह से आज भी इसे आमतौर पर पूसा के नाम से ही जाना जाता है। 1936 में आई भयंकर बाढ़ में संस्थान की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हर साल 1 अप्रैल को ये संस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल के स्थापना दिवस समारोह में CMSC के निदेशक प्रोफेसर रतन लाल का मुख्य व्याख्यान रहा। समारोह में पूसा समाचार का शुभारंभ किया गया और चावल की किस्म पूसा बासमती 1692 को लाइसेंस प्रदान किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आपको बता दें कि पूसा संस्थान ICAR की निगरानी में ही संचालित हो रहा है। कृषि शोध एवं शिक्षा के जगत के लिए अत्यंत सराहनीय और ये जो ज्वलंत इतिहास है, ये इतिहास पूरे देश में जितने बच्चे कृषि में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये एक उत्साह के उत्सव और यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे विश्व स्तर पर वो अपना अपना जगह बना रखे हैं और विश्व का कृषि को ये गाइड कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज जैसे डॉक्टर रतन लाल जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वो भी इस संस्थान के छात्र रहे हैं और जिस तरीके से विश्व स्तर में वो पूरा दिशा निर्देश मार्गदर्शन दे रहे हैं, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर जो चर्चा आज किए हैं और पूरे विश्व में कर रहे हैं, ये अत्यंत सराहनीय है और इस संस्थान का इतिहास का हिस्सा। का स्थापना दिवस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली का 116वां स्थापना दिवस है। आपको पता है कि ये 1905 में बिहार में सबसे पहले बना था और 1937 में जब वहाँ पर भूकंप आया, सारा सब कुछ ध्वस्त हो गया, उसके बाद इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया। इसकी गतिविधियाँ जो हैं वो कृषि के हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। संस्थान की स्थापना सन 1905 में समस्तीपुर जिले में पूसा नामक गांव में हुई थी। 1934 में भयंकर भूकंप आने के कारण संस्थान को 1935-36 के दौरान नई दिल्ली स्थापित किया गया। तब से लेकर शुरू से लेकर स्थापना से लेकर के यह संस्थान देश में कृषि शिक्षा शोध और प्रसार के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। 1958 में इस संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसमें हम आज 25 विषयों में PhD और MSc की उपाधि छात्रों को देते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न विधाओं में हम शोध का कार्य करते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, औद्यानिकी फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, फल फूल की खेती है, इसके अलावे मौलिक अनुसंधान है, फसलों की उन्नत किस्मों का विकास है और सोशल साइंसेज में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को हम किसानों तक लेकर के जाएं, उसमें तमाम आयाम हैं। हमारे पास मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम है और उसके माध्यम से किसानों तक जा कर के जो तकनीकी ज्ञान है उनको देते हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। IRI द्वारा अपना स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और दूसरे विशिष्ट अतिथि द्वारा संस्थान के लिए कुछ भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही साथ जो किसान हैं उनको भी आमंत्रित किया गया और इस वर्ष में ये पहला प्रयास था कि किसानों का सत्र स्थापना दिवस पे आयोजित किया जा सके, ताकि किसानों की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं संस्थान से, उसके विषय में उन्होंने अपने विचार बिंदु रखे, ताकि हमारे वैज्ञानिक साथी अपने अन्वेषण में
उन चीज़ों को सम्मिलित कर सकें और हम किसानों की सेवा के लिए, उनके विकास के लिए, खेती के विकास के लिए संस्थान और अधिक योगदान भविष्य में दे सकें। अब ये जो जल को लेकर किसानों की खेती को सुरक्षित रखने के लिए जन आंदोलन जल आंदोलन में तब्दील हो रहा है, और जब ये जल आंदोलन इसमें तब्दील हो जाएगा तो हर जन पानी की को लेकर एकदम सचेत रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। जहाँ पर भी जितनी बारिश होगी उसको अपने पुरजोर कोशिश से उसका संचयन करेंगे। संचयन करने के उपरांत ये कदम आगे बढ़कर सोचेंगे कि इसको हम जब उपयोग में लाएं, चाहे वो पीने, नहाने, खाने के घरेलू उपक्रमों में, तो हम बहुत ही सावधानी से उसका सदुपयोग करें। और खेती में जब जहाँ पे 80% से ज़्यादा पानी का की खपत होती है, वहाँ पे सबसे जो इफ़िशेंट दक्ष सिंचाई की प्रणाली है उसका हम उपयोग करेंगे। और जैसा कि विगत 30-35 सालों में ट्रिकल इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन की चर्चा हो रही है, मात्र वो टेक्नोलॉजी ही हमें इज़राइल के मॉडल पे जैसे बहुत विकास हुआ है पानी को बचाकर उस रूप में किया जाएगा। जो सभा यहाँ पे हुई है फाउंडेशन डे के ऊपर, इसके अंदर जितने भी हमारे अलग अलग फार्मर हैं, जो भी हमारे पद्मश्री हैं, जो इनोवेटिव फार्मर हैं, उनके अलग अलग यहाँ पर एक सुझाव लिए जाते हैं अभी खेती से रिलेटेड, कौन किस तरीके से खेती कर रहा है। तो आज हमें यहाँ मौका मिला आने का, और हमें हर तरीके की जो अलग अलग किस्मों की खेती कर रहे हैं फार्मर, उनके अनुभव जो हमें मिले, उनसे हम एक नई चीज़ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हम खेती करना चाहते हैं, या मछली पालन करना चाहते हैं, या डेयरी फार्म करना चाहते हैं, हर चीज़ जो है वो हर एक अलग अलग आदमी से जुड़ी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मर किसान जो आते हैं, तो हर आदमी के अलग अलग अनुभव जो लेते हैं, उनसे हमारे को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगर हम उन जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनके जो अलग अलग अनुभव हैं, अगर उनके ऊपर हम अमल करके उन्हीं के तरीके से अगर काम करें, तो मैं कहता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। पूसा का किसानों की उन्नति में अच्छा योगदान है। यहाँ से कई तरह के चावल की किस्में, जैसे कि 1509 पूसा बासमती, 1121 वैरायटी निकली है। इसी तरह अनाज और सब्जियों के बीज भी निकले हैं, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। परंतु पिछले 50 वर्ष में जो देखा है कि हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, अन्न के भंडार भर गए, परंतु इस अन्न से प्राणी जगत संतुष्ट नहीं है। जब भूमि के नीचे का जो पानी आम किसान पीते थे अपने गांव में, वो दूषित हो गया है। जो अन्न हमने पैदा किया है उसमें जहर की मात्रा बढ़ गई है, पूरा प्राणी जगत तो बीमार हो गया है, मानव का अस्तित्व भी खतरे में होने को जा रहा है, और प्राणी का जो संतुलन था वातावरण में वो भी खतरे में आ गया। इन 50 वर्षों से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। IRA से जुड़ के हमने जो फ़ायदा लिया है उसको शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊँ कि यहाँ से कुछ जो खेती हम कर रहे हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है। वैसे तो कुदरत का नियम है तरक्की, ग्रोथ इज ए सेंट्रल लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, पर तो प्रगति की गति होती है, तो गति अलग अलग माध्यम से, सपोज करो कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ या मैं कार से जा रहा हूँ, तो वो गति निर्धारित करती है कि आपके पास क्या साधन है। तो इसी तरह तरक्की में जो ये संस्थान है कृषि के, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, ये भारतीय कृषि का चमकता हुआ सितारा है, जिसको मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड में जैसे बाकी सभी तारे हैं तो एक सूरज है, तो मैं इस IRI को मैं एक ब्रह्मांड का जैसे सूरज है, इससे कृषि का सूरज मानता हूँ। तो इस संस्थान ने बहुत कुछ कृषि में योगदान दिया है। तो मैं अगर आपकी अपनी बात करूँ तो मेरा जो क्षेत्र है वो बासमती जो एक्सपोर्ट होता है उसका एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्लस्टर है कि जहाँ बहुत ही उच्च गुणवत्ता की बासमती पैदा होती है। तो बासमती में जो IRA ने काम किया है, आज तक किया है, वो किसी दूसरे संस्थान ने नहीं किया है। तो उस माध्यम से हमारे एरिया को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इस राजस्थान के जो बैकवर्ड एरिया है उसमें कोई सोच ही नहीं सकता था कि इन टीलों के अंदर जो धोरे होते हैं, वो जो आंधियाँ चलती थी, पानी की समस्या है भाई, यहाँ जो
एक मिनी इजराइल का रूप बन करके उभरा है, वो हमारे राजस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात है। पानी की कमी थी, पानी का जरिया भी हमारे को उसी पोलिया उससे मिल गया कि जो पोलिया उसके ऊपर का जो बरसात का पानी होता है उसको हमने पौंड बना करके उसमें इकट्ठा किया और उसी को हमने बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से वापस फसल में आवश्यकता अनुसार काम में लिया। जो एक पानी की जो समस्या थी उस समस्या से हमारे को निजात मिली और निजात के साथ में हमारे को वो इज्जत और वो सम्मान मिला जो मेरे हिसाब से आज राजस्थान के किसानों को मेरे हिसाब से आज से पहले नहीं मिला होगा। क्योंकि एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिए में जो टीले थे उनमें एक मिनी इजराइल की पहचान बनना बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसे अब हमारे को एक बासमती धान की यहीं से वैरायटी निकली है 16 बन में, वो पहले जो 15.09 निकाली थी उससे 10 दिन पहले पक जाएगी और 5 क्विंटल उसका जो है पैदावार भी ज़्यादा है और उसमें जो है जो टूट आ जाती थी चावल में वो भी इन्होंने सुधार किया है। तो इससे एक नई नई जो वैरायटी निकालती है पूसा संस्थान उससे भी हमारे को जो है जानकारी मिलती है और किसान उसका लाभ भविष्य में लेते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे क्या है खास हमारे अगले सेगमेंट में। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गौपालन के बारे में, किस तरह से आप गौपालन करके अपने आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, गौपालन के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, तमाम बातें जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। दूध उत्पादन के साथ साथ भारतीय कृषि के लिए एक मूल्यवान मालवाही शक्ति और खाद का अच्छा स्रोत भी है। इनसे देश का कुल 45% दूध का उत्पादन लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक सहायक व्यवसाय के रूप में किसानों को बेहतर आय देने में सहायता करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मौसम में बदलाव के साथ साथ पशुओं की विशेष देखभाल की जाए। गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है, ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा उपलब्ध कराएं। हरे चारे में 70-90% पानी होता है जो पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, लेकिन इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता कम होती है, इसलिए पशुपालकों को समय रहते इसका प्रबंध कर लेना चाहिए। इसके लिए पशुपालक मार्च अप्रैल माह में मूंग मक्का काउपी लोबिया जैसे हरे चारे की बुआई करते, जिससे गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सके। ऐसे पशुपालक जिनके पास सिंचित भूमि नहीं है उन्हें समय से पहले हरी घास काटकर व सुखाकर तैयार कर लेनी चाहिए। ये घास प्रोटीन युक्त हल्की व पौष्टिक होती है। पशुओं को संतुलित आहार दें, अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देने से बचें। इसके अलावा पशु को एक दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। पशु के पानी में थोड़ी मात्रा में नमक व आटा मिलाकर देना पशु की सेहत के लिए बेहतर होता है। पशु को पानी ताज़ा और साफ ही दें। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए पशु को प्रतिदिन नहलाएं। इसके अलावा पशुओं का आवास साफ सुथरा व हवादार होना चाहिए, जिसका फर्श पक्का व फिसलन रहित हो। साथ ही मूत्र व पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की छत भी ऐसी होनी चाहिए जो गर्मियों में अधिक गर्म ना हो। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4-6 इंच मोटी घास फूस की परत या छप्पर डाल देना चाहिए। ये परत ऊष्मा अवरोधक का काम करेगी, जिससे पशु आवास के अंदर का तापमान नियंत्रित हो सके। आवास की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फुट होनी चाहिए, जिससे हवा का समुचित संचार हो सके। साथ ही गौशाला की खिड़कियां व दरवाजों को बोरी या टाट से ढक देना चाहिए, जिससे गर्म हवाएं आवास में ना आ सकें।
इसके अलावा पशुपालक पंखे की व्यवस्था भी करें, जिससे पशुओं को राहत महसूस हो सके। मौसम के अनुसार देखभाल करके गाय पालन से बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए नए पशुपालक पशुपालन विभाग से समय समय पर सही मार्गदर्शन लेकर इस व्यवसाय को अपने लिए मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। अब ये गायें, अब ये भी कोई चारा खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उसका हजम होना बहुत जरूरी है। और उसके क्या होगा जब वो ओपन फार्मिंग के अंदर रहेगी, खुले में घूमेगी, अपनी मर्जी से इधर रहेगी, खेल लेगी भी, मस्ती करेगी, हमारा भी मन होता है मस्ती करने का, घूमने का। तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी जो ब्लड जो है ना, उसका सर्कुलेशन बना रहता है, उससे इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ओके रहता है। दूसरी चीज़ें और क्या होती है कि इनके जो खुर होते हैं, खुर बढ़ जाते हैं जब गाय एक जगह पे बंधी रहती है, तो उसके जो है खुर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे हमारे नाखून है, उसको गाय के नाखून हम कह सकते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। अगर हम गाय को ओपन फार्मिंग में रखें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, फिर वो इक्का दुक्की गाय में आती है, वो उसकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके खानदान में किसी की खुर बढ़ रहे, तो जल्दी बढ़ता है ना। आसानी से मैंने अब तक जो अनुभव किया, एक या दो गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई ना, अदरवाइज आज तक हमें किसी के खुर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अभी आपने गोपालन से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां, अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन, अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमि नाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फॉस्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको मिलवाएंगे हमारे आज के कामयाब किसान से। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, क्षेत्र कोई भी हो, महिलाएं हर काम में आगे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला किसान से, जिन्होंने अपने परिवार को संभालने के साथ साथ खेती किसानी के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाया है और आज दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बनी है। समय तेजी से बदल रहा है, हमारे समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तरक्की की नई राहें खोल रही है। अब महिलाएं घर, खेत और बाजार में भी अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो रही है।
वो समाज से तालमेल मिलाकर अपनी तकदीर खुद लिख रही है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने खेती और जैविक उत्पादों के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और बन गई कामयाब महिला उद्यमी। आज वो और उनके साथ कुछ और महिलाएं मिलकर जैविक उत्पाद में नए आयाम हासिल कर रही है। ट्रैक्टर चला रही ये महिला है डॉक्टर निर्जा शर्मा। निर्जा पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पादों को बनाने का रुख किया। आज निर्जा जैविक रूप से गुड़ बना रही है जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। निर्जा अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक अनेक तरह की बीमारियाँ होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुँचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, परंतु जैविक उत्पाद पैदा तो कर लेते हैं परंतु उसकी मार्केटिंग कैसे हो। तो इसी मार्केटिंग के चक्कर में क्या होता है कि उनका जैविक उत्पाद जो उन्होंने उत्पन्न किया है, पूरे साल मेहनत करी है, तो उसका उन्हें कोई भी उचित दाम नहीं मिल पाता, उचित परिणाम उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या किया जाए। तो यहाँ मैं ये देखती हूँ कि मेरी एक मित्र हैं जो कि कुशावली में रहती हैं, अनीता सैनी, उन्होंने जैविक गन्ना वो उत्पन्न कर रही हैं, परंतु हर बार क्या होता है कि वो मजबूर हैं, विवश हैं कि अपने जैविक गन्ने को वो उसी मिल में देती हैं जहाँ पर चीनी बनती है और उसी दाम में उनका जैविक गन्ना वहाँ चला जाता है। तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरे साल वो मेहनत करती हैं परंतु उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में मैंने ये सोचा क्यों ना जो वो दाम मांग रही हैं उसी दाम में मैं उनके गन्ने को खरीदूं और उनको भी फ़ायदा दूं और अपने समाज को भी फ़ायदा दूं। इसीलिए उनका जो जैविक उत्पाद है गन्ना जो वो पैदा कर रही हैं, जो उनको मजबूरी में मिल में देना पड़ता है कम दाम में, तो ऐसे में जो उनका मुँह मांगा दाम है उसके अनुसार मैं उनको दाम देती हूँ और उनका गन्ना खरीद कर, उनका जैविक गन्ना खरीद कर मैं उसका गुड़ बनवा रही हूँ। अपने जैविक उत्पाद को बनाने में और भी महिलाओं को शामिल कर रही है, जिससे महिलाएं अपने आत्मनिर्भरता के दायरे को बढ़ाए और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाए। तो यहाँ जब मैं जैविक उत्पादों की बात करती हूँ तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ मैं जैविक उत्पाद यानी कि जैविक उत्पाद में एक है गुड़, गुड़ को मैं बनवा रही हूँ और ये गुड़ कैसे बन रहा है जैविक गन्ने के द्वारा। तो जैविक गन्ना मैं कहाँ से ले रही हूँ कि यहाँ जो अनीता सैनी जी हैं, ममतेश सैनी जी हैं और जूली सैनी जी हैं, इनका फार्म है और ये जैविक गन्ना वहाँ पर कर रही हैं और हम सभी लोग मिलकर उस जैविक गन्ने को करते हैं। जैविक खेती करने से हमारे गन्ने की लंबाई सामान्य से भी बहुत ज़्यादा है।
जिससे 18 या 20 फीट तक की है। हमारा चिराग कृषि फार्म है जहाँ पर हम जैविक खेती तैयार करते हैं। हमारे खेत में कई तरह की खेतियाँ की जाती है, मतलब एक उसमें एक गन्ने की बात हो रही है स्पेशली यहाँ पर। मैं गन्ने के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम अपने खेतों में ही गन्ना तैयार करते हैं। जैविक तरीके से ये गन्ना तैयार किया जाता है, इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो हम खाद तैयार करते हैं वो हम अपनी निगरानी में ही जैविक केंचुए द्वारा ये खाद तैयार किया जाता है, अपनी निगरानी में इसको तैयार किए जाते हैं। इस खाद को तैयार करने में किसी भी तरह का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता जो खेती के लिए या गन्ने के लिए हानिकारक हो। और इस प्रकार हम अपने गन्ने को जब बो देते हैं उसमें पानी देकर खाद देकर तैयार कर जाते हैं, जब वो फसल एक तैयार हो जाती है उस फसल को, तो उन गन्नों को हम तैयार गन्ने को हम कोल्लू के द्वारा, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि गुड़ का उत्पादन कोल्लू में तैयार किया जाता है, बड़े लेवल पर मिल में होता है, लेकिन कोल्लू जो होते हैं मेन गुड़ के लिए कोल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस गन्ने को कोल्लू में ले जाया जाता है, वहाँ पर अपनी देख रेख में ही हम इस गुड़ को तैयार करते हैं। और इसे तैयार करने में भी कुछ गुड़ में हम अन्य तरह के स्वास्थ्यवर्धक खाद्य हैं, जैसे कि तिल हुआ और बादाम हुए, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स भी हम उनमें मिलाते हैं ताकि वे स्वास्थ्य के लिए, गुड़ तो वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक होता है लेकिन इस तरह की ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को डालकर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। इस प्रकार हम अपने घर से लेकर इस पूरे समाज को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से ये जैविक गुड़ तैयार कर रहे हैं। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही है, वहीं समाज को भी दो कदम आगे ले जा रही है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज की कामयाब किसान से। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जो जानकारियां हैं वो आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।